हेलो गाइज, वेलकम टू शिवल पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कि फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कंक्रीट मिक्स करते हैं और जो क्यूरिंग करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो वाटर होता है उसकी सबसे पहले टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके अंदर क्या इसकी अल्कलाई होनी चाहिए, क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी कौन कौन सी मतलब टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है कंक्रीट करते समय स्ट्रक्चर से पहले। अगर अगर आप जिसके अंदर वाटर को टेस्ट किए बिना अगर किसी भी कंक्रीट के अंदर वाटर को डाल देते हो तो उसके बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है और स्ट्रक्चर फेल हो सकता है और उसकी कभी भी मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल पाएगी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो वाटर होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी होते हैं जो करने के लिए होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे कि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है और अल्कलाई होती है और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है कितने से कहाँ तक लिमिट के अंदर हमारे पास होनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से आराम से देखना। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक जैसे कि वाटर टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन, इसका जो जैसे कि हमारा वाटर टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो वाटर यूज करते हैं हम, उस वाटर यूज करने की इसकी मतलब स्पेसिफिकेशन क्या क्या होती है, जैसे कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्लोराइड सस्पेंडेड सॉलिड और इसके अंदर सल्फेट और इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसका जो TDS वाटर का और एसिडिटी की लिमिट होनी चाहिए। उसका मतलब कि वाटर के अंदर जो कंक्रीट मिक्स रेडी करते टाइम क्या होना चाहिए, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए कि जो कंक्रीट के अंदर जो वाटर यूज करेंगे तो उसके लिए आप क्या होता है इसकी जो जैसे कि लिमिट होती है, जैसे कि पीएच वैल्यू की, क्लोराइड की, उनकी लिमिट की मात्रा जो होती है वो मतलब इसे लेस देन होनी चाहिए, ताकि इससे ज़्यादा अगर इसकी परसेंटेज मिलेगी तो क्या वाटर के अंदर क्या होता है इसकी जैसे बैक्टीरिया सॉलिड इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या करती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करने देती। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि जो हमारे पास पीएच वैल्यू होती है वाटर की, वो पीएच वैल्यू होती है 6.5 से लेके 8.5 तक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉट लेस देन 0.6 से। जो इसके जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारा आईएस कोड क्या होता है 3025 456 जो आई स्कोड होता है उसके अंदर पार्ट होते हैं हमारे, इसके अंदर इसके बारे में स्पेसिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है जो इसको पीएच वैल्यू होती है हमारे पास जो 6.5 से 8.5 नॉट लेस देन, इससे मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर के अंदर। और दूसरा नंबर पर आ जाता है कि फिर इसमें क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास वाटर होता है उसकी क्लोराइड की जो परसेंटेज होती है वाटर के अंदर वो 500 mg per liter से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसके बारे में स्पेसिफिकेशन हमारे पास पार्ट नंबर 32 के अंदर दिया गया है 3025 के अंदर। तीन नंबर पे उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी, सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है जो 2000 mg per liter से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब होता है कि जो हमारे पास जो वेस्ट वाटर होता है और विदाउट सीलिंग होता है इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं कुछ जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर्स और इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो नॉट मोर देन ज़्यादा, मतलब वाटर के अंदर ये क्या इंक्लूडिंग जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं पाए जाने चाहिए, ताकि इसके अंदर क्या होता है इसकी जो लिमिट होती है सॉलिड की मतलब कठोरता होती है इसकी सस्पेंडेड की वो 2000 mg per liter से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। और तीन नंबर पर हमारे पास आ जाता है जैसे कि सल्फेट होता है, जैसे कि SO4 होता है, सल्फेट में क्या होता है कि इसकी जो रेंज होती है वाटर के अंदर मिलने की वो 400 mg per liter से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे पांच नंबर पे मैंने बताया है कि जैसे ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं और दोनों की जो रेंज दी होती है वो होती है जैसे कि जो ऑर्गेनिक जो सॉलिड होते हैं वो क्या 200 mg per liter, मतलब 200 mg per liter जो वाटर होगा इसके अंदर इसकी जो रेंज रहेगी वो 200 mg से ज़्यादा रेंज नहीं मिलनी चाहिए हमको। और जो इनऑर्गेनिक जो सॉलिड होते हैं वो 3000 mg per liter से 3000 mg ज़्यादा इनको हमको नहीं मिलने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड का, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमिक एंड फ्लूमिक एसिड पाए जाते हैं, दो एसिड होते हैं इसके अंदर, ह्यूमिक और फ्लूमिक एसिड होते हैं जो क्या करते हैं सोल्यूबल होते हैं, जो वाटर के अंदर क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं बैक्टीरिया कार्बोनेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम सोडियम, ये चीज़ें चार पाँच प्रकार की जो इसके अंदर केमिकल्स होते हैं ये कहते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो इससे ज़्यादा क्या होता है इसके नेक्स्ट हमारा छः नंबर पर आ जाता है कि TDS की फॉर्म क्या होती है, जैसे कि टोटल डिजोल्विड सॉलिड का मतलब होता है जो वाटर के अंदर जो
इसकी जो सोल्यूबल होते हैं सॉलिड होते हैं कठोर जो होते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास इसके अंदर वाटर के अंदर ऑर्गेनिक होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं और जो मटेरियल्स होते हैं और मेटल्स साल्ट होते हैं कुछ, जैसे कि मेटल्स होते हैं कुछ साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं डिजोल्वड होते हैं क्योंकि वाटर के अंदर मिक्स पाए जाते हैं। और इसके जो मिक्स पाए जाते हैं उसकी जो रेंज होती है वाटर के अंदर वो 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 7 नंबर पे आ जाता है हमारे पास एल्कलाइन मिट्टी लिमिट होती है हमारे पास, तो इससे क्या होता है 2000 mg पर लीटर से हमारे पास जो एल्कलाइन मिट्टी होती है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 2000 से अगर ज़्यादा मिलेगी पर लीटर से तो वो क्या कर देती है वाटर की पीएच वैल्यू क्या कर देती है चेंज कर देती है, पीएच वैल्यू को मतलब बढ़ा देती है 7 से 8, 9, 10 तक बढ़ा देती है, वो पानी जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहता। इसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है हमारे पास जैसे कि एसिडिटी लिमिट क्या होती है हमारे पास, एसिडिटी लिमिट का मतलब क्या होता है जो हमारे पास की जो ड्रिंकिंग जो वाटर होता है पीने का जो वाटर होता है जो वाटर हम यूज करेंगे कंक्रीट मिक्स करने के लिए उसकी जो लिमिट होती है वो 6.52 से लेकर 8.5 तक पीएच वैल्यू होती है। अगर इससे ज़्यादा हमारी जो पीएच वैल्यू जाएगी तो वो इसके अंदर क्या तो केमिकल इसकी जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वाटर की टीडीएस होती है वो क्या इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट में मैंने एक नोट लिखा है जैसे कि आपको बता देता हूँ, जैसे कि लिमिट नॉट मोर देन अगर जैसे किसी की पीएच वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, अगर किसी की जैसे कि सल्फेट की जैसे कि पीएच ये जैसे एमजी पर लीटर से ज़्यादा मिलेगा और जिससे सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं जैसे कि जो मैंने जो लिमिट बता रखी है इस लिमिट से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज कर रही है वाटर के अंदर तो उसके अंदर क्या करते हैं लिमिट नॉट मोर देन स्ट्रक्चर इज फेल, कि जो हम कंक्रीट जो मिक्स करने वाले वाटर से उसके अंदर क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ मैटर्स होते हैं इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी कारण से मतलब वो क्या कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जो कंक्रीट होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी के अंदर हीट्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव नहीं कर पाएगा और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो नॉट एक्सेप्ट, जो जैसे कि 7 डेज 20 डेज के अंदर जो भी हमारे पास इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को गेन करना चाहते हैं वो गेन नहीं हो पाएगी और इट इज नॉट यूज ऑफ द वाटर कंक्रीट के अंदर। अगर ये जिन चीज़ों से मतलब इंक्रीज जो लिमिट मिलेगी वो अगर वाटर हमसे जहाँ पे बोर एरिया होता है जैसे कहाँ पे प्लांट लगवा रहे हैं एमसी प्लांट होता है वहाँ पे मिक्स करना हो तो ये अगर ये चीज़ें मिलेगी इससे तो वो वाटर इज नॉट यूजबल ऑफ द कंक्रीट मिक्स के लिए। तो इसके एक छोटा ये टॉपिक है वाटर टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन लाइन के, सबसे पहले क्या करते हैं जहाँ भी आरएमसी प्लांट लगता है तो उससे पहले हम वाटर का टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि अगर ये चीज़ की इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो अगर वाटर के अंदर मिल जाती है लिमिट के अंदर तो वो वाटर क्या करता है उस कंक्रीट के अंदर यूज कर लेना चाहिए। अगर ये चीज़ें सबसे बाहर मिलती है लिमिट से तो वाटर को यूज नहीं करना ताकि इससे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फेल भी हो सकता है और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कभी भी गेन नहीं कर पाएगा। और क्या होता है इसके अंदर जो बॉन्डिंग वगैरह होती है एग्रीगेट की वो नहीं बन पाएगी और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है सीमेंट की और जो वाटर की जो रिएक्शन वगैरह होती है वो इसके अंदर के ड्यूरेबिलिटी को कभी भी सस्पेंस भी नहीं ले पाएगा, उसके कारण क्या होता है हीट्स वगैरह होते हैं वो एक कोलैप्स मटेरियल बन जाता है जिससे स्ट्रक्चर क्या फेल हो जाएगा। कर देंगे।